आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं AR News। नमस्कार, मैं हूँ ज़ैरा शेख और आप देख रहे हैं AR News। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दो दर्जन से अधिक बदमाशों ने डॉक्टर पर किया हमला, डॉक्टर घायल, पुरानी रंजिश आई सामने, पुलिस ने किया मामला दर्ज। आलू फैक्ट्री के पास बनी पुलिया को पार कर रहे लोग, आम जन की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा, फतेह सागर से आयड़ नदी में आ रहा पानी। मेवाड़ की प्रसिद्ध घवरी का हुआ आगाज, देवी देवताओं पर आधारित खेले जाते हैं खेल। जन्माष्टमी पर स्थल मंदिर में मनाया नंद महोत्सव, सजाई भगवान कृष्ण की विभिन्न झांकियां, भक्तों ने लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर पर हुए हमले की। उदयपुर जिले के जाड़ोल इलाके के फलासिया CSC में कार्यरत एक डॉक्टर पर हमला कर दिया। फलासिया CSC में कार्यरत डॉक्टर मुकेश आहारी पर शुक्रवार देर शाम लगभग दो दर्जन लोगों ने ताबड़तोड़ वार कर डॉक्टर को घायल कर दिया। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और डॉक्टर मुकेश पर वार कर दिया। डॉक्टर मुकेश अस्पताल से बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदार के घर की ओर जा रहा, तभी नेशनल हाईवे 58E पर करेल में उस पर हमला हुआ। डॉक्टर मुकेश पर इन बदमाशों ने रास्ता रोककर चाकू, फेट और चेन से हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर गंभीर घायल हो गया, जिसे बदमाश वहीं छोड़कर मौके से भाग गए। इसके बाद राहगीरों ने घायल को फलासिया CHC पहुंचाया। घटना की सूचना पर फलासिया पुलिस अस्पताल पहुंची और चिकित्सक की रिपोर्ट पर नामजद मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि चिकित्सक ने चार दिन पहले ही फलासिया अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन की है। मामले में सामने आया है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते ही डॉक्टर पर हमला किया गया है। हमले में पैर और सर पर गंभीर चोट आई है। डॉक्टर का प्राथमिक उपचार कर रहे उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मानसून के इस दौर में हुई बारिश ने तालाब, नदी, नाले छलक चुके हैं और अब आमजन की लापरवाही से डूबने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। फतेह सागर ओवरफ्लो होने के बाद वहां का पानी भोपालपुरा स्थित आलू फैक्ट्री के पास बनी पुलिया से होकर आयड़ नदी में मिलता है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति भी इस पुलिया में होकर बह गया था, जो पुरोहितों की मादरी स्थित शमशान के पास नदी में बहता हुआ मिला। अब इस पुलिया पर फतेह सागर का पानी तेजी से बह रहा है और आसपास के लोग लापरवाही पूर्वक पुलिया को पार करते नजर आ रहे हैं। अगर पानी की स्पीड और तेज हुई तो कोई भी यहां बह सकता है। आसपास के लोग और मोटरसाइकिल, स्कूटी पुलिया पार करवा रहे हैं, ऐसे में बड़ा हादसा यहां हो सकता है। जी सर, एक अभी क्या सभी तालाबों में और बांधों में ओवरफ्लो चल रहा है और लोग बहुत पिकनिक मनाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वीकेंड है, दो दिन की छुट्टी है। सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि पानी को देख के हुए और उसके हिसाब से पानी में उतरे, क्योंकि अभी सभी बांधों पे लगभग ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिससे कि जन हानि की भी संभावना पूर्ण है। इसलिए उसको पानी को देखते हुए अपने लाइफ को बचाते हुए काम में लेवे, और जहाँ कहीं पे भी रास्ते पे भी जैसे पानी ओवरफ्लो चल रहा है तो उसको पानी को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज होता है अपने को पता नहीं चलता है। एक बार जाने के बाद फिर कुछ भी, जैसे एक दो जनहानि हो चुकी है ऑलरेडी, जैसे आयड़ में भी हो गया है, महाराज की खेड़ी में भी हुई है। इस तरह सभी से लोगों से करबद्ध निवेदन है कि पानी में पिकनिक मनाने भी जावे तो भी उसको अपने को बहुत सावचेत रह के काम लेना है, क्योंकि जैसे बागारी के नाका में भी अभी 14 इंच ओवरफ्लो चल रहा है, मतलब तो इतना पानी चल रहा है कि वो आप नीचे खड़ा भी नहीं रह सकते हो। तो उसमें पानी देख के अपनी जिंदगी की सुरक्षा करते हुए और उसके हिसाब से काम में लेना है। भादवी गुड़ा गोगुंदा मोंडवा मजाम एवं सिवडिया में गवरी की आगाज हुआ। गवरी मेवाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है, जो कि विश्व का सबसे लंबा खेले जाने वाला त्योहार है। गवरी माता पार्वती वो भगवान शिव का स्वरूप है, जो कि मेवाड़ के भील समाज द्वारा खेली जाती है। एवं गांव में रहने वाले सभी सर्व समाज के लोग गवरी के नियम का पालन करते हैं। गाँव की बहन बेटियाँ गोरजा माता को अपने ससुराल में निमंत्रण करती है। राखी के दूसरे दिन से शुरुआत होती है, जो सवा महीने तक खेली जाती है। गवरी में देवी देवताओं पर आधारित खेल खेले जाते हैं। राजा जेली,
बाबूजी राठौड़, लाखा बंजारा, माता अंबाव, शिव पार्वती, माता चामुंडा, भैरुनाथ, बड़ा हिंदवा एवं नौ लाख देवी देवताओं के खेल खेले जाते हैं। गौरी सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। गौरी खेलने वाले सभी अनेक नियमों का पालन करते हैं। लकड़ी पर नहीं बैठना, जूते नहीं पहनना, हरा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, बिस्तर पर नहीं सोना, भोग विलास से दूर रहना, श्रृंगार करना, सवा महीने तक माता की आराधना करना आदि नियम का कठोरता पूर्वक पालन करते हैं। राजसमंद जिले के फरारा गांव पंचायत में खारवा की भागल में आज एक 8 फीट लंबा अजगर निकल जाने से हड़कंप मच गया। खारवा की भागल में नारसिय के खेत में चारा काटते समय किसानों को खेत में अजगर नजर आया। इसमें चारा काट रहे लोगों के बीच दहशत का माहौल छा गया। गांव में लोगों ने पिपरडा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को कॉल किया। इस पर गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गहलोत ने अजगर को पकड़कर बोरी में बंद कर वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड किशन गायरी को सूचित किया और पुनः जंगल में छोड़ा। पूरे देश में शुक्रवार को जन्माष्टमी धूम रही, वहीं शनिवार को भी उदयपुर शहर के सूरजपोल स्थित अस्थल मंदिर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर विभिन्न आयोजन हुए। शनिवार को अस्थल मंदिर में नंद महोत्सव मनाया गया। इस दौरान श्री कृष्ण के भजन के ऊपर नृत्य करते दिखे। श्री कृष्ण को विशेष श्रृंगार धराया गया, साथ ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को झूले में विराजित कर झूला झुलाया गया। पूरे मंदिर परिसर को विभिन्न फूल पत्तों से आकर्षक रूप से सजाया गया। इससे पहले देर रात 12:30 बजे महाआरती का मनोरथ महंत रास बिहारी शरण ने किया, तो वहीं भक्तों ने दर्शन लाभ लिया और पूरा मंदिर परिसर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। साथ ही मंदिर में श्री कृष्ण की विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। उदयपुर में आज राजीव गांधी जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर गांधी दर्शन समिति द्वारा जिला स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में महात्मा गांधी के परदोहिते के संजय अग्रवाल सहित शहर के प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। सेमिनार के आयोजक और गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज शर्मा ने कहा कि सद्भावना दिवस के मौके पर सभी भाईचारे से रहने का संकल्प ले रहे हैं, जहां किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हुए देश के लोग आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। मैं धन्य हूं कि मैं महात्मा गांधी का परदोहिता हूं, मेरे अंदर उनका अंश है और ऐसे भाई लोग उदयपुर में हमारे शहर में बापू की विचारधाराओं को इस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये सौभाग्य है हमारे लिए और राष्ट्र के हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि बापू के बताए रास्ते पे वो चलें और राष्ट्र निर्माण का करें। ये सद्भावना है, यही विकास है और यही शांति है। जिस दिन हम संपूर्णतः बापू के विचारों को अपने अंदर अपना लेंगे, उस दिन संपूर्ण विश्व में शांति आएगी, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथियों को ये संपूर्णतया ये विश्वास है कि बापू के विचार ही इस विश्व में शांति ला सकते हैं। शांति अहिंसा निर्देशालय के तत्वाधान में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गांधीवादी विचारक श्री अशोक जी गहलोत साहब के निर्देशानुसार जिला स्तर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्र नायक स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज आप देखेंगे कि हम लोगों ने महात्मा गांधी जी और राजीव गांधी जी के चित्रों पर हमारे चतुर्वेदी साहब, पीआर व्यास साहब, महात्मा गांधी जी के पड़पोते आदरणीय दोहिते संजय अग्रवाल साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में गोष्ठी का आयोजन किया। आने वाली पीढ़ी को राजीव गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, इसलिए पूरे दिन भर इस कार्यक्रम को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी जात पात को भूलकर देश की एकता, अखंडता, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद के लिए कार्य करें। जैसलमेर में भादवी बीच पर भरने वाले मेले, लोग देवता रामदेव जी के दर्शन के लिए विभिन्न जगहों से जातरू पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रामदेव जी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बांसवाड़ा से निकला एक जत्था आज उदयपुर पहुंचा। इस जत्थे में करीब 40 भक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि करीब 750 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। यात्रा का आज चौथा दिन है। 28 अगस्त तक जत्था रामदेव मंदिर पहुंचेगा। जात रुओं ने बताया कि
इस पैदल यात्रा में जगह जगह उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। भक्तों द्वारा जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं। यात्रुओं का कहना है कि इस पैदल यात्रा करने का मकसद मांगी गई मन्नत पूरी हो जाती है, साथ ही सबके लिए खुशी एवं समृद्धि मांगी जाती है। हम निकले हैं बाबा रामदेव की पैदल यात्रा पे। हम ने पहले भी गए हैं यात्रा पैदल चलते चलते, ये पाँचवीं यात्रा है हमारी पैदल यात्रा। जब जब भी हम पैदल यात्रा निकले, हमारी जो मन की मुराद है, जो भी जिस इच्छा से निकलता है गांव से, उसकी इच्छा बाबा पूरी करता है। मैं अभी फिलहाल ग्राम पंचायत टांडी नानी का सरपंच हूँ और मैंने पिछली बार बाबा से मन्नत मांगी थी कि मैं चुनाव जीतूँगा तो बाबा की यात्रा पैदल करूँगा। मेरे इस संघ के साथ में मैं आज पैदल यात्रा जा रहा हूँ और बाबा सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करता है। गाँव की खुशहाली के लिए भी मांगते हैं दुआएँ, सबकी खुशहाली के लिए हम दुआएँ मांगते हुए डांडी मार्च और अभी हम उदयपुर में प्रवेश करें। आज तीसरा चौथा दिन है हमारा। कब पहुंचोगे वहां पर आप? हम पहुंचेंगे 28 तारीख को। हम पहुंचेंगे 28 तारीख को। कितने जनों का जत्था जा रहा है? जत्था ही हमारा 42 जनों का जत्था जा रहा है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 2 दर्जन से अधिक बदमाशों ने डॉक्टर पर किया हमला, डॉक्टर घायल, पुरानी रंजिश आई सामने, पुलिस ने किया मामला दर्ज। आलू फैक्ट्री के पास बनी पुलिया को पार कर रहे लोग, आम जन की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा, फतेह सागर से आयड नदी में आ रहा पानी। मेवाड़ की प्रसिद्ध घवरी का हुआ आगाज, देवी देवताओं पर आधारित खेले जाते हैं खेल। जन्माष्टमी पर स्थल मंदिर में मनाया नंद महोत्सव, सजाई भगवान कृष्ण की विभिन्न झांकियां, भक्तों ने लिया भाग। तो दीजिए इजाजत जरा शेख को और खबरों के लिए देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं AR न्यूज।